हाय गाइज, आज हम आप लोग के बताने जा रहे हैं परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकाला जाता है। आई एम जसपाल जोशी। आज हम नए जोश और जुनून के साथ आज आप लोग के बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एवं द्रव्यमान संख्या क्या होता है एवं परमाणु संख्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें टर्म होता है प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या हम लोग सबसे पहले जानते हैं, प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। यहाँ देखिए, P बराबर Z होता है, एलवेज होता है, परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर होगा। अगर यही उदासीन रहने पर प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। उदासीन का मतलब क्या हुआ? उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं हो, कोई आवेश नहीं हो, कोई आवेश नहीं होने पर इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों बराबर होते हैं। और एक हुआ, देखिए यहाँ सबसे पहले सूचित देखिए, एक को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या न्यूक्लियॉन को डिनोट करता है। और यहाँ एक हुआ जो ई संकेत को बताता है, संकेत को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ए हुआ परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या न्यूक्लियॉन हुआ, यहाँ एक्स जो दिए हैं संकेत को डिनोट कर रहा है। और जेड को हम लोग परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, या प्रोटॉन संख्या को जेड से डिनोट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन संख्या जब उदासीन होने पर कोई चार्ज ना होगा तो प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों आपस में बराबर होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसे देखिए। उसके पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन संख्या को ई से यहाँ लिखेंगे और न्यूट्रॉन संख्या को एन से डिनोट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पूछता है, एक चीज़ और जान लीजिए, तीन गो रिलेशन होता है, पहला तो ये बता दिए। दूसरा होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है, से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्यों पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालिए किसी तत्व का, तो उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या को ऐड कर देंगे तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। यही चीज़ को लिखा हुआ है, ए बराबर पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। एक होता है, अगर न्यूट्रॉन संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन संख्या को हम लोग घटा देते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉन संख्या निकल जाता है। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। तो देखिए इसमें पूछेगा कि प्रोटॉन की संख्या, तो अभी आप लोग के बताएं कि प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ परमाणु संख्या कितना है 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाएगा। क्या बताएं, कोई चार्ज न है, यानी उदासीन होने पर इसका इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों बराबर होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन संख्या, तो न्यूट्रॉन संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ लिखे हुए न्यूट्रॉन संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन संख्या परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु न्यूट्रॉन संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान 23 दिया हुआ है और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या को माइनस करेंगे, यानी प्रोटॉन संख्या कहे तो प्रोटॉन संख्या 11 है, तो हम लोग यही निकल के आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इक्वल टू 12 यहाँ, यानी प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या 12 आ गया। अब होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो लिखे हैं कि परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या देखिए हम लोग निकाल लिए हैं 11 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकाले हैं 12, इसको इक्वल कीजिएगा तो 12 और 11 23 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या तीनों हम लोग निकालने के लिए सीख गए। लेकिन कब, जब उदासीन रहने पर, यानी इस पर कोई चार्ज ना है तो ये लागू होगा। इसी तरह ए है, देखिए इसको आप लोग देखिए आराम से, इसको भी बताएंगे, इसको देखिए इसमें क्या है कि इसमें पूछ रहा है कैल्शियम का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तभी बोले कि प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो परमाणु संख्या इसका कितना है 20, तो ये हो गया प्रोटॉन संख्या 20, इलेक्ट्रॉन संख्या भी, इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 20 हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालने के लिए बताए थे, तो न्यूट्रॉन संख्या ए माइनस पी, यानी ये हो गया द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 40 है
माइनस प्रोटॉन की संख्या देखिए तो यहाँ 20 है, तो यहाँ निकल के आ गया 20, यानी इसका न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 हो जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान की संख्या के लिए बोले हैं कि प्रोटॉन संख्या प्लस क्या न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या 20 आ गया यानी इक्वल टू 40। ऐसे हम लोग ये हो गया उदासीन रहने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। ये हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए, अगर कोई चीज़ पर आवेश रहेगा, कोई तत्व है उस पर आवेश चार्ज रहेगा, तो उस पर हम लोग कैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, हम एक फॉर्मूला लिखें कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है परमाणु संख्या, जेड को परमाणु संख्या से डिनोट किए हैं। देखिए तो परमाणु संख्या प्लस माइनस आवेश की संख्या, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कब, जब आवेश रहेगा तब। देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम पर प्लस टू चार्ज है, तो सबसे बोले हैं कि प्रोटॉन संख्या तो परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ परमाणु संख्या कितना है, 12 है, तो 12 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। अब देखिए पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसमें क्या करेंगे, और जब माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तब प्लस चार्ज है यानी दो प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए यहाँ परमाणु संख्या यानी जेड, यहाँ लिखेंगे जेड, जेड कितना है, जेड यहाँ है 12, प्लस में क्या बोले, प्लस चार्ज है तो आवेश की संख्या, जब प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस देखिए तो आवेश की संख्या कितना है, 2 है, तो माइनस 2 करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया, ये हुआ प्लस में। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो हम लोग अभी देखें, न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 24 है, माइनस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना आया है, 12 आया है, यानी इसका भी हो जाएगा 12। अब देखिए द्रव्यमान संख्या हम लोग के निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या बताएं कि प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या 12 आया प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन भी कितना आया है, 12 आया, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर 24 हो गए। इस तरह हो गया प्लस 16 रहा, यानी प्लस 16 होता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, इसलिए हम लोग जितना आवेश रहता है इस पर जितना चार्ज रहता है उसको हम लोग घटाते हैं। अब देखिए हम लोग माइनस चार्ज रहेगा तो कैसे बनाएंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, माइनस चार्ज रहेगा तो और आसान है, माइनस है यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी माइनस 16 प्लस 16 में इलेक्ट्रॉन को घटाएं तो माइनस 16 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे क्लोरीन है तो प्रोटॉन की संख्या तो हो जाएगा 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस चार्ज है, तो क्या बोले माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे, एक चार्ज है माइनस में तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तब 17 हो गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया। ऐसे माइनस 16 में याद रखना है, दिमाग में रखना है, माइनस चार्ज रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐड करते हैं, अगर प्लस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भलो आवेशों की संख्या माइनस करते हैं। देखिए अब इस तरह न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर अभी बताएं कि परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 35 है, माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, 17, तो आ गया 18, यानी ये हो गया इसका न्यूट्रॉन की संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या बताएं कि प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन संख्या 17 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है, यानी इसे हमको ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको आ जाएगा 35, यानी इसका परमाणु क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गया 35। इसी प्रकार कोई भी यौगिक रहेगा, छोटा यौगिक है, बड़ा यौगिक कोई दे दिया, देखिए आप लोग के बताते हैं, कोई सा बड़ा यौगिक दे देगा, ये सब समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए बड़ा यौगिक दिया है, बड़ा यौगिक दिया हुआ है, तो इसमें कैसे निकालेंगे इसे देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है CO3 पर माइनस दो गो आवेश है, तो माइनस दो आवेश के लिए क्या बोले हैं कि जब माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें दो गो गेन करेगा, तो दो गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, कार्बन में परमाणु संख्या 6 होता है, और बताएं कि परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉन 6 लिख दिए प्लस, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है यानी प्रोटॉन संख्या 8 हो गया, तो 8 × 3 यानी 18 × 24 हो गया, 24 + 6 = 30 हो गया। अब क्या बताएं, 30 तो हमारा आ गया, अब बोले हैं कि जब माइनस आवेश 16 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग ऐड करते हैं, तब माइनस देखिए तो दो आवेश है यानी माइनस दो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग दो ऐड कर दी, यानी अब पूछेगा कि CO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा,
तो 30+2 यानी 32 हो जाएगा, समझे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। उससे पहले आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताना है कि H2SO4 को देखिए, आप लोग को कमेंट में बताना है कि H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, कितना होगा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर से आप लोग के बता देते हैं। सबसे पहले संकेत को देख लेना, ए सूचित कर रहा है परमाणु द्रव्यमान संख्या को, जेड सूचित कर रहा है प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या को, पी प्रोटॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन न्यूट्रॉन की संख्या। ये तीन चीज याद रखना, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होगा कब, जब उदासीन रहने पर, कोई चार्ज तत्पर नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, तीनों बराबर होगा। लेकिन चार्ज रहेगा, मान लीजिए माइनस चार्ज है तो क्या बोले, माइनस चार्ज है यानी किसी से गेन कर रहा है, माइनस दो चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दो वृद्धि हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्लस चार्ज रहता तो प्लस चार्ज, मान लीजिए मैग्नीशियम पर दो प्लस चार्ज था तो इसमें क्या कहें, इलेक्ट्रॉन की संख्या दो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था 10 आ रहा है। इसी तरह सब जो भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए कह देगा, बड़ा से बड़ा यौगिक उसको आप निकाल लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आज का मेरा प्रयास कैसा लगा। थैंक यू।